रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा, पास वो आए तो चूके मैं देखूं जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। ये गाना, इसकी एनर्जी और इसकी कंपोजिशन, इसकी लिखाई, इसका अरेंजमेंट आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैं ये गाने का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आज मैं अपने दोस्त, मेरे बहुत अच्छे दोस्त उदित नारायण के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। उदित नारायण जो हैं वो 1955 का उनका जन्म है, और मैं समझता हूं कि उदित नारायण का ये जन्म जो है ये सच्ची तारीख है, वरना कई बार लोग छुपा लेते हैं। तो उनसे मेरी पहली मुलाकात जो हुई थी, मैं समझता हूं कि 70s की बात है। मैं राजश्री प्रोडक्शन में एक कंपोजर काम किया करते थे, उनका नाम था राजकमल, उनके यहाँ मैं गिटार बजाया करता था। और वहीं उदित नारायण जी अपनी वॉइस का डेमो गा के देने के लिए वहाँ आए थे, और उन्होंने गाना गाया था। अब मुझे ये याद नहीं कि कौन सा गाना गाया था, लेकिन उनकी आवाज़ सुन के मुझे एक चीज़ लगी कि इस आदमी की आवाज़ में पावर है। उदित नारायण की आवाज़ में बहुत लाउड और पावरफुल आवाज़ है उदित नारायण की, जो कि उस ज़माने में बहुत अहमियत रखती थी। और ये एक उनका कामयाबी का ये भी एक फैक्टर है। तो वहाँ उन्होंने गाना गाया और कुछ गा के वो चले गए। उनका काम बना या नहीं बना ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन पहली बार मैं उनको वहीं मिला था। फिर उसके बाद ऐसा था कि उदित नारायण जी स्ट्रगल कर रहे थे, वो नेपाल और वो बिहार के बॉर्डर में कहीं उनका घर है, वहाँ से ही आए थे बॉम्बे और स्ट्रगल कर रहे थे। और बहुत ही सिंपल एक झोला रहता था उनके, उसमें पानी की बॉटल और थोड़ा बहुत खाना और किताबें गाने की। इस तरह से एक्चुअल स्ट्रगल जो किया है उदित नारायण ने किया है, क्योंकि ना तो उनका बॉम्बे में कोई घर था और ना ही कोई उनका बॉम्बे में कोई रिश्तेदार था, वो अकेले ही थे, जो भी थे अकेले थे और अकेला वो फाइट कर रहे थे। लेकिन उनका स्वभाव में खासियत यह है कि आप उदित नारायण को डांट दो, कुछ भी बोल दो, अगर वो बात काम से जुड़ी हुई है तो वो फिर रिएक्ट नहीं करते, उसको सुन लेते हैं। सुनने की जो शक्ति उदित नारायण में है मैंने किसी में नहीं देखी। बहुत बार ऐसा हुआ है कि गर्मा गर्मी हो जाती काम पे, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, प्रेशर होता है, प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का प्रेशर होता है, और बहुत सारी बातें होती है, जिम्मेदारी होती है, बड़े बड़े एक्टर इन्वॉल्व होते थे उस जमाने में। तो इसी तरह वो यही गेटअप में हमारे घर भी आया करते थे, जो कि झू में था, और वहाँ वो आके चुपचाप बैठ जाते थे, सबसे मिलते जुलते थे। और तब उस वक्त मैं भी स्ट्रगल ही कर रहा था, क्योंकि मेरे पास भी कोई फिल्म विल्म तो थी नहीं, तो मैं देखता था उनको और मैं देख के बड़ा इंस्पायर होता था कि यार ये आदमी देखो अकेला गाने की कोशिश कर रहा है और वो इस तरह से बॉम्बे में वो स्ट्रगल करते रहे। और उसी ज़माने में स्ट्रगल पीरियड में हम लोगों की दोस्ती हो गई। मैं भी जब कभी भी मिलता था कहीं, कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि कोई म्यूजिक डायरेक्टर के यहाँ कोई स्टूडियो में टकरा गए, कभी घर पे मिल गए, साथ में दोस्ती हो गई मेरी। तो ऐसा हुआ कि हम लोग यशराज की फिल्म कर रहे थे, और ये फिल्म बड़ी प्रेस्टिजियस थी, क्योंकि आदित्य चोपड़ा साहब यश जी के बेटे वो डायरेक्ट कर रहे थे, और पूरी जो यशराज की टीम थी, ऑफकोर्स उसमें जो मेन लोग थे वो सारे इन्वॉल्व थे कि कोई चीज़ मिस ना हो। तो
तो सारे गाने भी बहुत तराश के बनाए जो कि मैंने आपको बताए हैं। और उसमें एक ऐसी सिचुएशन थी कि भाई जो हीरो है वो पहले अपने आप को प्रोजेक्ट करता है कि उसको ना तो म्यूजिक आता है, ना कोई पियानो बजा सकता है, ना कुछ भी, और फिर उसके बाद वो पियानो बजा के ये गाना शुरू होता है। बहुत एनर्जेटिक गाना था ये, हम लोग सिटिंग में भी इतना जोर लगाते थे इस गाने में, ताकि ये गाने में वो जो एनर्जी चाहिए, वो एक फोर्स, वो उभर के आना चाहिए। तो वो उसके लिए बहुत हमने गाना भी बड़ा एनर्जी से रिकॉर्ड किया। इसका रिदम पैटर्न देखिए, आपका इसका अरेंजमेंट देखिए, आप इसकी पूरी बनावट गाने की देखिए। तो उदित नारायण को हम फोन कर रहे थे, तो उदित जी की एक आदत थी, वो अक्सर ऐसा करते थे कि मैं बस पहुंच गया हूं, मैं नीचे ही हूं, मैं भी लिफ्ट में आ रहा हूं। और वो इसलिए करते थे कि बहुत दूर से आना पड़ता था। हम लोग वेस्टर्न आउटडोर जो था वो फोर्ट में स्टूडियो था, और वो आते थे अपना सबब से, अंधेरी से। तो बॉम्बे में तो हमेशा भीड़ ही रहती है, तो कई बार ऐसा होता था कि वो दिलासा देने के लिए कि भाई मैं अभी थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा, आप लोग थोड़ा थोड़ा सा और वेट करिए, मैं नीचे ही हूँ लिफ्ट में। और ये करते 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 उसमें क्या हो, 1-1.5 घंटा लग जाता था, 2 घंटे भी लग जाते थे, और वो बोलते थे मैं पास में हूँ। तो प्रोड्यूसर का प्रेशर आता था हम पे, तो हम लोग भी चिढ़ जाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो बहुत उनको देर हो गई आने में, और जब वो आए तो जब गाना सुना तो गाने में तो आग का जोश इस गाने में। तो वो उन्होंने गाना भी याद भी किया, थोड़ा रिहर्सल भी किया था ऑफकोर्स, लेकिन वो गाने में आप बिलीव करिए ऐसा हुआ कि उदित नारायण और हम लोगों में थोड़ा एक गर्मा गर्मी हो गई, और इस लेवल पे हो गई कि हम लोग एकदम निराश हो गए कि यार ये तो जैसा उदित जी गा रहे हैं वैसा तो चलेगा ही नहीं। तो ऐसा हुआ कि मैंने उदित को बोला कि उदित यार देख, तू ये अगर नहीं गाएगा ना तो ये गाना ही रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग का भी करियर का सवाल है और तेरा भी सवाल है। ये हो सकता है ये बोले सिंगर ही बदल दो, जो कि मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता, तो क्या करेंगे। तो बोला अच्छा ऐसा है क्या, तो बोले हाँ, मैं बोले ऐसा ही होता है, ये तो कसौटी का काम है। अभी आदित्य चोपड़ा की भी फर्स्ट फिल्म में, वो तो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करेगा ही नहीं, उसको तो 100 out of 100 ही चाहिए। तो वो बोला कि यार मैं तो पूरा जोर तो लगा रहा हूँ जतिन। मैं बोला नहीं यार, ये पूरा जोर लगाने की बात नहीं है, ये गाने में इन्वॉल्वमेंट और गाने का पैशन। मैंने उसको फिर उसको पूरा एक वो सिचुएशन वापस से समझाई कैसा ऐसा है। वो शाहरुख पहले पागल की तरह पियानो बजाएगा, फिर वो सोचेंगे कि इसको कुछ आता नहीं है, फिर वो वहां से गाना शुरू होता है, तो ये इसमें जो एनर्जी है वो पूरी चाहिए। तो बोला ठीक है मेरे को यार 2 मिनट दे। मैं बोला ठीक है। तो वो गया अंदर, थोड़ा फेस वेस वॉश किया और एक कप चाय पिया, और फिर मेरे को बुलाया उसने। ललित भी बैठा ही था, बोला ललित ललित भी रिहर्सल करा रहा था। तो हमने उसको समझाया, तो वो गाने का रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, ये उसमें जोश चाहिए था। उदित ने हम लोग को भी देखा कि ये लोग भी बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये, फिर उसने जो उदित नारायण ने जो गाया है, आप बिलीव करिए अंतरा अस्थाई, वो जब गाना खत्म हुआ है तो उसके चेहरे में से जो गर्मी थी वो ऐसा एक स्टीम इंजन जैसा उसकी बॉडी गर्म हो गई थी, ऐसा उसने जान लड़ा दी थी। मैं गले लगा लिया उदित नारायण को, मैं बोला यार उदित कमाल का गाया तूने, और आदित्य चोपड़ा भी खुश, मतलब पूरे यशराज की टीम खुश हो गई ऐसा। फिर उसने, क्योंकि उसने एक चैलेंज ले लिया कि ये गाना मैं अंगार लगा दूंगा, और उसने अंगार लगा दी, और ये गाना तो फिर हिस्ट्री बन गया। उसमें तो कितने ही इसके फॉलोअर बने और कितना ही लोगों ने पसंद किया, और फिल्म में ये गाना वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ द फिल्म। हालांकि इस फिल्म में सारे ही गाने लाजवाब हैं, लेकिन ये गाने की बात ही नहीं की जा सकती। और इसी तरह फिर उदित नारायण हमारे साथ गाते रहे, बहुत बहुत साल उन्होंने गाया। लेकिन एक और किस्सा इस बात का, उदित नारायण को भी दुख है, मुझे भी दुख है।
जब पहला हम लोग ऑफकोर्स सिमल्टेनियसली यारा दिलदारा फिल्म का भी म्यूजिक हम कर रहे थे, और लेकिन यारा दिलदारा का बाद में शुरू हुआ था, पहले जो जीता हो सिकंदर का हम लोग काम कर रहे थे। तो ये काम बहुत पैशन से ये काम हो रहा था, क्योंकि ये हमारी पहली पिक्चर थी और हमारी हमारे जीवन की नैया ये फिल्म थी, आप समझिए, जो हमको मझधार से किनारे ले जाने वाली थी। और ये फिल्म में म्यूजिक भी ऐसा अमर हुआ है कि मैं बयान नहीं कर सकता, इतना खूबसूरत म्यूजिक। जैसे जैसे वक्त जा रहा है ये म्यूजिक जवान होता जा रहा है, इसमें और भी ताजगी बढ़ रही है इस फिल्म की। तो इस फिल्म में गाना था पहला नशा पहला खुमार। अब वो गाना आपको मैंने बताया भी है कि वो गाना कितना पैशन से बना था। वो गाना फिल्म का एक ही रोमांटिक गाना है और बहुत ही खूबसूरत ढंग से कंपोज किया गाना, और मजरू साहब ने लिखा भी उसे बहुत प्यार से, बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखा है। तो ये गाना जब उदित गा रहा था तो मुझे ऐसा लगा, यार ये आदमी की आवाज़ कितनी खूबसूरत है, क्या आवाज़ में रेजोनेंस है, क्या आवाज़ में थिकनेस। देखिए आपको मैं एक बात बताता हूँ कि सिंगर बहुत ज़्यादा तैयार हो जाए या बहुत ज़्यादा, वो इतना ज़रूरी नहीं है फिल्म के गाने के लिए। फिल्म के गाने में एक सिनेमैटिक आवाज़ होना बहुत ज़रूरी है, और वो सिनेमैटिक आवाज़ ये उदित नारायण में थी। इसके गाने में मज़ा आता था और ये गाता ओरिजिनल स्टाइल से था, ये वन ऑफ द ओरिजिनल सिंगर बोला जा सकता है। ये ना तो रफ़ी साहब को फॉलो करता, हालांकि भक्त तो रफ़ी साहब का है, वो किशोर कुमार को भी बहुत मानता है, लेकिन ओरिजिनल सिंगर है, ये बात की मैं इज्जत करता हूँ, क्योंकि ओरिजिनलिटी में अपना नाम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज ऐसा वक्त है कि कई उदित नारायण के कॉपी फॉलोअर कर रहे हैं लोग, ये मुकाम हासिल किया। और उदित नारायण ने बहुत बहुत सारे उसको पुरस्कार मिले, अवार्ड मिले उसको, तकरीबन कितने ही फिल्म फेयर मिले हैं, नेशनल अवार्ड भी दो बार मिला है, और फिर उस पद्म विभूषण है। ज़्यादातर सब सिंगर पद्मश्री हैं, लेकिन ये पद्म विभूषण तक पहुंचा। और ऐसा है कि उदित नारायण का प्रोडक्शन हाउस भी उसने बिहारी फिल्में बनाई, बड़ा इंटरप्राइजिंग इंसान है उदित नारायण। और अपना आज तक उसके गले में फ़र्क नहीं आया है, ये बहुत अच्छी बात है कि उदित नारायण आज भी अगर गाना गा के जाता है तो वो पहले की तरह, ऑफकोर्स पहले की जो कम उम्र की बात होती है वो एक अलग ही बात होती है, लेकिन गाने में ऐसा नहीं लगता है कि आवाज़ में कि उम्र छलक रही है, ऐसा नहीं लगता, उसकी आवाज़ में आज भी ताजगी है। तो जब पहला नशा की बात जब मैं कर रहा था तो पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, है दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार, ये कंपोजिशन अमर कंपोजिशन, मतलब इस कंपोजिशन की क्राफ्टमैनशिप और इसकी सिंपलसिटी की कोई इसका सानी नहीं है, इतना खूबसूरत ये कंपोज किया हुआ गाना है। तो जब ये गाना बहुत पॉपुलर हो गया, हम लोग की भी गाड़ी चल गई, बहुत नाम हो गया, बहुत फिल्में कर रही हमने, तो उदित नारायण मुझे अक्सर बोलता था कि यार जतिन, इस साला पहला नशा पहला खुमार को ये लोग ने अवार्ड नहीं दिया, इतना अच्छा गाना, और ये गाना और जिस गाने को दिया वो गाना लॉन्ग रन में इस गाने को के आधा भी नहीं पहुंच सका, लोग सुनाएंगे तो याद आएगा, वैसे वो गाना याद ही नहीं है। मैं ये जिक्र नहीं करना चाहता कि किसका गाना है, क्योंकि वो सब मेरे दोस्त हैं और मैं तो उन लोगों ने काम किया, अच्छा काम किया, इसीलिए अवार्ड भी मिला उनको, और इतने बड़े गाने के अपोजिट मिला। लेकिन एज ए कंपोजर, एज ए म्यूजिशियन,
मुझे नहीं लगता है कि पहला नशा पहला खुमार के अलावा किसी भी गाने को मिल सकता था उस साल, क्योंकि इससे खूबसूरत गाना तो रोमांटिक गाना बहुत आपको गिनी चुनी उंगली में कोई आप गाना गिना सकते हैं कि इससे ज़्यादा रोमांटिक गाना कोई आप मिसाल दें, आप खुद सोचें तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा। तो आप कोई एक आधा गाना आपको आसपास लगे ये इस लेवल का गाना है। और उदित नारायण की जो मुझे खास बातें लगती हैं, एक तो उदित नारायण में सहन शक्ति बहुत है, उसको कितना भी डांट लो आप रिकॉर्डिंग के टाइम, कितना भी कुछ बोल दो वो गाता रहता है और आपकी आप जैसा चाहिए आपको कोशिश में लगा रहता है। ये बात जो है उसकी, ये मैंने बहुत कम सिंगर में देखी है। हालांकि म्यूजिक डायरेक्टर जो भी बोलता है सिंगर को सुनना ही पड़ता है, क्योंकि वो क्रिएटर है, वो क्रिएट किया है तो उसको उसने जैसा क्रिएट किया है वो वैसा आपको करके देना पड़ेगा। लेकिन कई सिंगर ऐसे हैं कि अपना एक प्रस्ताव रखते हैं कि जतिन जी ललित जी हम लोग ऐसा कर लें क्या, तो वो भी कई बार अच्छा होता है, क्योंकि एक नए ब्रांड से एक नई क्रिएटिव आदमी से एक नई बात आती है, वो भी अच्छा है, वो भी हम लोग मानते हैं। लेकिन उदित नारायण कोशिश करता है कि जैसा आप बोल रहे हैं वैसा वो करे, और बहुत ग्राउंडेड और बहुत सिंपल आदमी है उदित नारायण। एक्चुअली मुझे कभी कई बार ऐसा लगता है कि मेरी कई चीज़ें उदित नारायण में मिलती हैं। मैं भी बहुत लाइफ में बहुत सिंपल रहा और मैंने कभी एग्रेसिव कभी नहीं रहा, झुक झुक के चला हूँ मैं। कई बार मुझे मेरे ही लोग इतना कुछ कह जाते थे, मैं सुन लेता था। वही वजह थी कि 16-17 साल काम कर लिया, वरना तो क्या होता भगवान जाने। और उदित नारायण का मैं शुक्रिया इसलिए भी करना चाहता हूँ कि एक वक्त ऐसा था कि मैं बहुत छोटे से घर पे, उसी में म्यूज़िक रूम भी था, उसी में मैं रहता था, और मेरी शादी भी हो चुकी थी, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो मैंने नया नया ही काम शुरू हुआ था, मतलब 4-1 साल निकल गए थे वहाँ, उस घर में 1-बेडरूम हॉल का घर था। तो मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे कोई दूसरा घर मिल जाए ताकि मैं अपनी एक फैमिली लाइफ लीड कर सकूँ, क्योंकि वैसा होता था कि जब मैं हमारी सिटिंग चलती थी तो 3-3, 4-4 प्रोड्यूसर बाहर खड़े रहते थे और 2-3 अंदर बैठे रहते थे, तो कहीं कमरे में जगह ही नहीं होती थी। तो मेरी वाइफ बेचारी पड़ोसी के घर पर बैठी रहती थी, तो मुझे बड़ा दुख होता था इस बात को सोच के। तो मैंने जब घर लिया तो उदित नारायण और कुमार शानू दोनों ने मुझे हेल्प की थी, वो मैं हमेशा याद रखता हूँ। और मैंने उनकी बड़ी इज्जत से वो हेल्प जो थी वो लौटा दी, लेकिन उन्होंने मुझे की थी मदद। तो दोस्तों उदित नारायण के लिए इतना ही। दोस्तों ये जो कुछ भी मैं आप लोगों से कहता हूँ ये खुद मैंने महसूस किया है, ये 1-to-1 बेसिस पे मैंने ये बातें की हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं बड़े दिल से ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी जीवन की एक पूंजी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और शेयर करिए जितना भी हो सकता है, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी बातें, अभी तो शुरू ही किया है मैंने, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे गुलदस्ते हैं जिनके फूल आपको सूंघने हैं और जिनकी खुशबू आप लोगों को लेनी है। तो दोस्तों आप लोग इन्जॉय करिए, फिर मुलाकात करते हैं।